चले बात कर लेते हैं अगले खबर की। प्रदेश में 500 से अधिक स्कूलों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने की कोशिश का मामला सामने आया। शिक्षा विभाग ने इस मामले में 8 जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस दिया है। इसमें बीकानेर, जोधपुर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, चूरू और नागौर के जिला शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। इन जिलों से मान्यता की फाइल जब निदेशालय पहुंची तब जांच में सामने आया कि इनकी फाइलों में कमियां हैं। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें मान्यता देने की सिफारिश भेजी और फाइलों के मापदंड पूरे नहीं हो रहे थे। सबसे अधिक कमी भूमि को लेकर सामने आ रही थी। कमरों के आकार, खेल मैदान, सुरक्षा प्रमाण पत्र समेत कई जो खामियां हैं वो देखने को मिली। जयपुर की 161, बीकानेर की 33, नागौर की 60, सीकर की 41, अलवर की 47, चूरू की 57 फाइलें मापदंड में सही नहीं पाई गई और इसके बावजूद 20 जिला शिक्षा अधिकारियों में मान्यता की सिफारिश कर दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि सभी 8 जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस दिया गया है और इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई वो करेंगे। और इसी खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी त्रिभुवन रंगा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, देखिए एक बड़ा यहाँ पर तस्वीर सामने है, किस तरीके से फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। अभी आपने जानकारी दी कि स्पष्टीकरण मांगा गया है, फिलहाल अभी क्या अपडेट है? जी मैंने, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, बड़ा फर्जीवाड़ा जो है उसका खुलासा हुआ है। आज तक हमेशा देखा गया है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी थे वो फाइल भेजते थे, निदेशक यहाँ से साइन करके वापस उनको मान्यता मिल जाती थी, लेकिन इस बार जो सौरभ स्वामी हैं उन्होंने उनके कागज़ मंगाए हैं, उनकी जांच की है। जैसे ही उनको कमी लगी उन्होंने तत्काल जो है जो 8 जिला शिक्षा अधिकारी उनको नोटिस थमा दिया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि अभी तक स्पष्टीकरण कल उनको दिया गया है, आज उनका स्पष्टीकरण आएगा और उसके बाद ही जो विभाग है कार्रवाई कर सकता है। मैंने आप सबसे बड़ी बड़ी बात देख सकते हैं, आप हमारे आसपास, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं कि जो भी निजी स्कूल हैं उनके पास ना तो खेल मैदान है, ना ही उनके पास पूरा भवन है और जो भवन है उससे अधिक क्षमता से वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से आँख मूंद कर जिला शिक्षा अधिकारियों ने उनको मान्यता दी है वो भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ रही है। हालांकि जो हमारी बात हुई है निदेशक महोदय से, उन्होंने कहा है कि सभी की जाँच की जाएगी, लेकिन जिस और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आया है उससे लगता है कि बहुत बड़ा जो प्रदेश में है वो फर्जीवाड़ा हो रहा था, जिस पे कहीं ना कहीं अंकुश आगे भी लगेगा और इस बार अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। जी मनी त्रिभुवन, आपने जिला निदेशक की बात करी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? अभी तक उन्होंने यही कहा है कि हमने स्पष्टीकरण मांगा है, उनके बाद ही जो भी उनका स्पष्टीकरण आएगा उसी के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये अंकुश लगाने की एक जो अच्छी पहल उन्होंने की है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो भविष्य है बच्चों के उनके लिए सुरक्षित रहेगा। जी त्रिभुवन, ये मान लिया जाएगा कि जिस तरीके से 8 जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस दिया गया, स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है कि आगे ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ सकता है, कि ऐसे ही आगे कार्रवाई देखने को मिल सकती है निदेशक की तरफ से? जरूर जरूर, जिस तरह से निदेशक ने इस बार संज्ञान में लिया है, आप देख सकते हैं जो पिछले जो भी रहे हैं उनमें जिस तरह के स्कूल हम देखते हैं, हमने पहले भी कहा था आप भी पढ़े हम भी पढ़े हैं, वहाँ भवन छोटे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ खेल मैदान नहीं है, ऑन रोड पे हैं फिर भी वो चल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं खामी रही थी जब उनको मान्यता मिल गई। लेकिन इस बार जिस तरह से शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने संज्ञान में लिया है और इस पर कार्रवाई की है, तो ऐसी आशा की जा सकती है कि आगे जो भी स्कूल मान्यता के लिए आएगी वो पूरी तरह से मापदंडों पर खड़े उतरने के बाद ही उनको मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्रिभुवन रंगा, तमाम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर पर देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे, यूडीएच मंत्री